हम शुरू से चढ़ा रहे हैं सर, जन्म यहाँ हुआ, शुरू से 18 साल एज है, उन्हीं में लग गए अब 18 साल से, अब यहीं चढ़ा रहे हैं। शिव मंदिर है इसका, प्राचीन मंदिर है। पहले थे था कोई भी बसता नहीं था यहाँ, पहले बुजुर्ग बता रहे थे भी एक बार क्या हुआ, अभी पहले था भी जिस तरह ना एक गाव थी, गाय थी, गाय ना किसी की दूध नहीं देती थी। वो कह रहे थे भी गाय दूध क्यों नहीं दे रही है, तो वो देख के आ रही भी क्या हो रहा है। फिर ना एक झाड़ी के पीछे भी ये वो थे शिवलिंग थे और शिवलिंग पे दूध चढ़ा रही थी, अपने आप उनकी धारा बह रही थी और वो शिव चढ़ा रही थी। जिन्होंने देखा फिर उन्होंने ये मंदिर बनवाया, आगे इसका और विकास हो गया और अब ये इतना हो रहा है विकास। कहाँ कहाँ से यहाँ लोग संगत आ रही है? बहुत दूर दूर से आ रही है सर, शहरों से, पटियाला से, समाणा, सारी जगह से आ रही है, चीका से, बड़ा मान करते हैं। आपके गांव की मतलब प्रसिद्धि इसी की वजह से? हाँ जी हाँ जी, मेरी तो हर मनोकामना पूरी हुई है सर। मनोकामना पूरी होती है आपकी? हाँ जी। ठीक है। जब से मान ले मन तो सोदी संभाल लिया इस गांव के बसनीक आसी भी, जब से हम इस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं। हाँ, तो जल चढ़ाने से किस तरह लगता है? जल चढ़ाने से भी हर मनोकामना पूरी होती है, जो भी आप मनोकामना लेके आते हैं। आपके बुजुर्ग माता पिता या सास ससुर क्या बताते थे? मैं तो यहाँ की लड़की हूँ। आप यहाँ की लड़की, आपके पिताजी बताते होंगे, दादाजी बताते होंगे, क्या इतिहास है इस मंदिर का? इतिहास तो जी यही है, अभी वो आप पे प्रकट होया है। आप प्रकट हो? हाँ, आप प्रकट होया है। भी जो उरा पहला गौं खड़े करा थी भी हूँ इसका ऊपर मान ले दूध चढ़ा दी थी, आगे दूध आप पे धारा पड़न लगी, अपने आप धारा पड़ती, ऐसे ही सुना जी मैंने तो। देखो हाँ, आपकी कितनी पीढ़ी होगी आपके परिवार की? मेरा परिवार की तो जी दूसरी तीसरी चल रही होगी। हाँ जी, आपका क्या नाम? श्री शिवाय नमस्तम्भ्यम सुषमा शर्मा। मैं तो यहाँ कोई श्लोक सुना दो भगवान शंकर के नाम पे। यही है बस, श्री शिवाय नमस्तम्भ्यम। प्रदीप मिश्रा की कथा सुनते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ गया शिव के बारे में। उसकी कथा सुनते हैं, उसका कहना मानते हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। भगवान शिव ने क्या संदेश दिया, क्या कहा संसार के जब लोग आते हैं, जन्म लेते हैं संसार में आगे? भगवान ने कहा भी ये जल पियो, पत्ता चढ़ाओ, सिंजो रोज, हमेशा अपनी मन की मुरादा भगवान सबकी पूरी करता है। ये तो भोलेनाथ है। हाँ, भोलेनाथ शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तम्भ्यम, ये इसका जाप है, ओम नमः शिवाय। इस जाप के करने से कितना जाप कर लेते हो आप? कितना जाप करते हो? बस घर में काम करते समय या थोड़ा बहुत टाइम मिला भगवान के मंदिर में, सिर्फ सारा दिन यही श्री शिवाय नमस्तम्भ्यम, श्री शिवाय नमस्तम्भ्यम, श्री शिवाय। आप मंत्र का उच्चारण करते हो तो कैसे फील करते हो महसूस? बस यही भी भगवान के दर्शन हो जा, माख मीचे भगवान हमें दर्शन दे, हमें हमारी मन की कामना पूरी करो, हमें इतनी शक्ति दो जो हम आप जल चढ़ा सकें, थोड़ी बहुत ही सेवा कर सकें। बस सुख रखो सब ना भगवान, सबकी जिंदगी अच्छी करो, सबके बच्चा ना तरक्की दे। बेटा थोड़े की नाम है जी? मेरा नाम जसवीर कौर है। हाँ जसवीर जी, तुम आंदे हो मंदिर से? हाँ जी। कितने साल में जल चढ़ा रहे थे आगे? सर मानता तो बहुत देर तो सुन रही हैं, पर हाँ। मैं 2-2.5 साल तो मतलब डेली आ रही हैं। हाँ जी। कितने टाइम हो गए थोड़ी मैरिज में? मेरे मैरिज में तो 10 साल हो गए, वैसे शिवरात्रि नू हो गया, सोमवार नू आंदे हुंदे सीगे, पर हुण मैं डेली 2-2.5 साल तो आ रही हैं सर। इत्थे दी नू हो तुसी? हाँ जी। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾਲਪਤੀ ਤੋਂ? ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਸੁਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੋਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। हाँ जी हाँ, जो बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं ना, तो वो तो यही बता रहे हैं, अभी दशरथ को और माता कौशल्या के फेरे यहीं पे हुए थे इसी गांव में। हाँ जी हाँ, ऐतिहासिक मतलब? ऐतिहासिक बहुत। हाँ जी, बहुत ऐतिहासिक है जी। आपको वहाँ पे जो समाधि के अंदर गए होंगे आप, जो बड़का पेड़ है 350 साल पुराना है और समाधा है, और जो वहाँ पे बावड़ी बनी हुई है, लेकिन बावड़ी की तो दिक्कत ये है कि जो सरकार है अपनी सरकार में भ्रष्टाचारी है। चलो बाबा दरबार में बैठे हैं, लेकिन कोई ग्रांट वगैरह वगैरह कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे उसका। जो बावड़ी का इतिहास है, इसको ऊंचा उठाने के लिए क्या कहेंगे उस बाब, जिस तरह पुरातत्व विभाग है या पर्यटन विभाग है पंजाब का? हाँ जी हाँ, जिस तरह है सैर सपाटा विभाग है, इसका मतलब जो नक्शे पे आए देश के। हाँ जी हाँ, अगर सरकार कोई सहयोग करे तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। कोई ग्रांट आया जैसे समाधि ग्रांट है, कोई मंदिर ग्रांट आया, जैसे चलो जो बावड़ी बनी है
अगर बोर्ड की भी ग्रांट दे तो बोर्ड को दोबारा से तैयार किया जा सकता है उसको, अभी तो उसका नक्शा सारा सुधा है, सिस्टम है जैसी थी, जो बड़े अगर बड़े बुजुर्ग 10-20 साल के बाद में वो बड़े बुजुर्ग भी चले गए तो उसका नक्शा कौन बनाएगा, कोई नहीं बना सकता, लेकिन अब तो जो बैठे वो बनाने वाले ही बैठे हैं, अब ऐसे ही बना देंगे इसको। लेकिन सरकार अगर दिक्कत कही है, सरकार का भ्रष्टाचार का सिस्टम है, ग्रांटें नहीं आ रही यहाँ तक। जय श्री राम जी। शेखर शर्मा जी मेरा नाम। हाँ शर्मा जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है और सारा इसके बारे में बताएं हमें। यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं जी ये कहते हैं जो यहाँ आज 100 साल का है, और वो भी कहते हैं जो मेरे दादा परदादा थे वो 100 साल के हो गए, वो भी कह रहे थे अभी हम जब से पैदा हुए जब से इस मंदिर को देख रहे हैं, गांव बसने से पहले का मंदिर है, तो यहाँ पे हजारों साल पुराना मंदिर है, तो यहाँ पे कोई ब्राह्मण और गुजरों का गाँव हुआ करता तो आपस में गाय चराया करते, तो जो पंडतें गऊ थी उजाड़े के अंदर चले जाया कर दी, छिप जाती थी। हाँ जी हाँ, तो पंडित कह लगे गुजर हमारी गऊ का दूध पी जाए, तो गुजरा ने गऊ के ऊपर पैरा लगाया, तो दोपहर को जब गऊ उजाड़े के अंदर गई तो उन्होंने देखा भी चारों थन चूरे हैं धरती में, तो उन्होंने उजाड़ बढ़िया और धरती पट्टी, तो पहली जो गहती लगी जैसे पत्थर शिवलिंग जो पत्थर नुमा था पहली गहती लगी तो वहाँ पे खून की धारा निकली, दूसरी में दूध की और तीसरी में गंगा जल की धारा निकली। तो कोई राजा कह दे, कोई पुराने राजा था जा रहा था, वो देखा भाई यहाँ पे शिवलिंग नहीं रहा, तो उसने वहाँ पे मन्नत मांगी थी अगर मेरे संतान हो जाए तो मैं ये मंदिर बनवा दूंगा, तो उसने मंदिर बनवाया था ये, और आज भी ऐसा जो 5 किलो की बिल्ली चढ़ती है गुड़ की, अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी है तो यहाँ पे बेली सूख के जाए, यहाँ पे जो त्रिवेणी है वहाँ पे धागा बांध के जाए, और तो पुत्र की मनोकामना बड़ी जल्दी पूर्ण होती है। और किस तरह लोग मान लो क्या मानता है, मतलब कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? नाभा, पटियाला, लहरा गग्गा और समाणा, चीका, बलबेड़ा, ये आसपास के गाँव से और शहर से काफ़ी आते हैं, और शिवरात्रि पर यहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला बड़ा तकड़ा भरता है, और हर त्रोसी को लंगर लगाया जाता है, जैसे कल त्रोसी थी तो कल को लंगर लगा था, और सोमवार को सुबह सुबह 11 बजे तक साहिब राइड का लंगर चलता है 12 बजे तक। वैसे जैसे पता चला है, जानकारी मिली है, जैसे यहाँ पर कोई सती थी वो जल चढ़ाती थी तो उसके बाद मतलब इसको खुदाई, आपको पता खुदाई का ये सती का मंदिर है जी यहाँ पे जी, मंदिर के बराबर में थोड़ा 2-4 किले आगे तो सती का मंदिर, तो यहाँ पे सती जल चढ़ाने आया करती, तो यहाँ पे एक साधु आया था बाबा बाबूदास जी, ये कोई 50-60 साल पुरानी बात है, यहाँ पे आया था, तो वो सुबह जल जब समाधों में से जल चढ़ाने डेरे में से जल चढ़ाने आया करता, तो वहाँ पे उसको जल चढ़ा मिली करता शिवलिंग के ऊपर, तो उस तो बाद में उसने देखा भी कोई आवा है तो जल चढ़ा, 10 बजे या 1 बजे आ जाता, 2 बजे आ जाता या 12 बजे आ, तो जल चढ़ा मिली करता। तो एक दिन वो मंदिर के सामने रात को ही लेट गया, 9 बजे या 10 बजे आके लेट गया, तो एकदम सती आई, तो उसने देखा भी जनानी आई है कोई, तो साधु के ऊपर कोई भी देवता है वो पैर रख के नहीं जा सकता, तो उसने देखा तो कह लगे भाई तो उठ यहाँ पे जल चढ़ाना, मैं वो कहा जी आप कौन है, मैं सती है वहाँ पे, वो कहने लगे भी माता मेरे को एक दिन दर्शन एक दिन जल चढ़ाने दे पहले, तो ना भाई ना फिर मैं आऊँगी तो मैं यहाँ पर जल चढ़ा नहीं दिखेगा किसी को, ना एक दिन तो दे, तो एक दिन उसको जल चढ़ाने के लिए था, जब उस तो बाद में जल चढ़ाने दिया, यहाँ का एक नियम हो रहा स्वाभिन आप लगातार जल नहीं चढ़ा सकते यहाँ पे। अच्छा क्या होता है फिर, कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, वैसे कोई ये आपसे पहले चढ़ा जाएगा कौन, कोई कुछ ऐसा है मानता सबसे पहले हाँ, मेरे कोई 21 साल हो गए यहाँ पे, कभी भी ये नहीं हुआ स्वाभिन ना मैं लगातार जल चढ़ा सका, आप भी चढ़ा सका मैं भी चढ़ा सका, कारण क्या बना यही वहाँ बस यही, आपसे पहले भी खड़े होते थे, कितने बजे लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, क्या पता कोई 2 बजे भी आ जाए रात को उससे पहले भी, हाँ उससे पहले जब निबड़ना है ना तो निबड़ेगा ही, रात को मंदिर खुला होता है, मनी वैसे मंदिर तो खुला ही होता है सारा, कोई जिंदा अगर वगैरह ताला नहीं होता, मतलब नहीं लगाते ये। अब नाम जिस तरह ग्रंथों में आप बता रहे थे क्या नाम, जैसे वो उसमें स्कंद पुराण के अंदर आपको कहा था भाई जैसे सात पाताल गंगा से जो शिवलिंग निकलता है उसको हटकेश्वर नाम से के नाम तक प्रसिद्ध है वो, वैसे प्राचीन नाम तो हटकेश्वर है, वैसे जहाँ आम्बासम में पातालपति पतालेश्वर इस तरह सिस्टम है। हाँ आपका क्या नाम जी? शर्मा जी, रामपाल शर्मा जी। हाँ रामपाल जी, आपकी कितनी उम्र हो गई? हमारी 49 सी उम्र हो गई। तो आप कितने सालों से यहाँ जल चढ़ाने के लिए आ रहे? हम भी यहाँ से रेगुलर अभी ये 3 महीने से आ रहे हैं जी। 3 महीने से? हाँ रेगुलर जी। हाँ। रेगुलर। तो कुछ इसकी खास मतलब खासियत इस मंदिर के बारे में आप क्या नहीं, जो अपने हिंदू धर्म में है जी उसके लिए तो बहुत प्रसिद्ध है महापति शिवलापति जी, तो इसकी तो खास विशेषता है ही है जी, सबके रखवाले हैं ये इतनी मनोकामना है प्रभु सबका
काम करते हैं, तभी लोग दूर दूर से आते हैं, पंजाब हरियाणा यूपी हिमाचल से। और हाँ, इसके दूर दूर से बहुत महत्व है इसकी जी, ऐसी बात नहीं। जो अपना एरिया है 70-80 किलोमीटर के आसपास, हरियाणा पंजाब, ये बॉर्डर के ऊपर पड़ता है ये मंदिर, ये हरियाणा बॉर्डर और पंजाब। वैसे पड़ता पंजाब में है जी, डिस्ट्रिक्ट तो पंजाब पटियाला ही है, पर बॉर्डर पे है ये, बॉर्डर पे। हाँ, इस करके इसकी खास महत्व है। चीका मंडी और समाणा मंडी की विशेष योगदान है इस मंदिर के ऊपर जी, उन्होंने ही खास इसको वो करवाया जी, इस करके जी। ये खड़े हैं, हाँ जी, की नाम तुम्हारे जी? तेजिंदर। तेजिंदर, क्या कहोगे इस मंदिर का, क्या इतिहास तुम देखे अपने जिंदगी से, बुजुर्गों से सुना? जी अस सारे कुछ देखे, असने लिखे, पिछला इतिहास भी मैं सुने, ये आप प्रगट होया राजें दे राज दे, उस टाइम राजें दे पंडित बिठाए दे, ताए प्रगट होया जी। फिर इतने बहुत प्रोग्राम तकड़ा होया जी। नहीं, मुसलमाना के टाइम के, मुगलों के टाइम दी गल नहीं जी, ये इसका कोई सालों का पता नहीं है, कल प्रगट होया जी। उदू बाद कमेटी बन गई, संयोग जुड़ गया सारे लोगों का, सारी हिंदू धर्म जिन्ना सी वो उड़े आने लग गया। हूँ असी सेवा करते हैं, साढ़े पंडित जी ने सेवा करते ने बहुत आई तरह। और भी हाँ, वैसे थोड़ा क्या नाम है? मेरा नाम साहब सिंह है जी। साहब सिंह, हाँ जी, इसी गांव से कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप कितने सालों से जल चढ़ा रहे हैं? मैं जी चढ़ा रहा हूँ, मेरी उम्र हो गई 45 साल जी, लगभग 15-16 साल तो हो गए। हाँ, हैं 15-16 साल से चढ़ा रहा जी। हाँ, किस तरह लगे जिसमें जल चढ़ाते हो आके इतने, किमें लगते हैं तुम्हें? दिल में शांति मिलती है जी, तो मनोकामना पूरी होती है जी, जो भी कि अपना सच्चे दिलों से मन करता जी, भगती या कोई पूजा पाठ करता जी, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इतने और भी श्रद्धालु हैं जेडे कि लगातार इतने सेवा करते हैं, जिस त्रोदशी या शिवरात्रि दिन तो इतने बहुत ज़्यादा संगत होती है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवचरण जी। हाँ शिवचरण जी, क्या कहोगे इस मंदिर के, जिसका क्या खासियत है? पूरे में सेवा कर रहे हैं जी, मिन्ना आपने जब सेवा कर रहे हो। हाँ जी, सेवा करके कैसे महसूस होता है, क्यों सेवा करने लगे तुसी? तो वधिया महसूस होता जी, जे अपना काम कोई अड़े काम बनता जी, कोई भी काम। हाँ, कोई काम अड़े बनता जी, जे कोई पुत्र प्राप्ति की हो। हाँ जी, मेरे तो सुनने में ऐसे आया कोई आई, बहुत से संत भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बहुत प्राचीन समाधा भी हैं यहाँ पर, 5 संत जो है जिंदा समाये हुए हैं, बहुत मानता है। और यहाँ पर एक संत आया था, उसने भी बताया था हमको भाई, जो माता कौशल्या के यहाँ पर शादी हुई हुई है। ये मंदिर की मान लो किस टाइम पता लगा? मुगल काल थे उस समय, तो यहाँ मुगल कालों के टाइम में पता चला जी, वहीं उसी टाइम की यहाँ पर पूजा होती है। और जो हमने तो सुना है भाई, लक्खी बंजारे ने ये मंदिर और जो बनवाई थी बॉडी, और इसी में वहाँ स्नान किया जाता था। आप ऐसे बता रहे हैं यहाँ से कोई मतलब दरिया भी मतलब कोई मंदिर के साथ से? हाँ जी, मंदिर के बिल्कुल सामने से यहाँ को आबू दरिया उसको बोलते थे उस टाइम में, वो लगता था। और इसकी पानी की आज भी यहाँ पर को पानी आता है दूर से, आज भी हम यही मानते हैं कि ये कोई पुरानी दरिया या कोई अच्छी बहुत पुरानी नदी चलती है, उसी के बहाव में ये पानी यहाँ पर को आता है। ये मतलब सरस्वती नदी भी हो सकती है, मतलब क्या है? नहीं, इसको आबू दरिया बोलते हैं जी। आबू तो मतलब उर्दू में? उर्दू में इसीलिए तो है मुस्लिम, मतलब उस टाइम में जो मुगल राज था उसको आबू ही लिखा गया है, आबू दरिया लिखा गया है। कोई सरस्वती नदी का तो यहाँ पर कोई विचार नहीं है। मतलब भगवान माता कौशल्या और दशरथ का विवाह यहाँ? हाँ जी, ऐसे सुनने में है। देखो बहुत पुरातन समय हो गया, हमको तो इतना मालूम नहीं है। इस मंदिर का इतिहास तो मतलब हजारों साल पुराना? हजारों साल पुराना है ये मंदिर भी, और वो जो कुआ है उसको बौड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर बैं बोल देते हैं। तो ये कट्ठे बनवाए थे ऐसे है, मैंने जो बुजुर्गों से सुना है, ये ऐतिहासिक पतालपति शिव मंदिर है। और जो जितने बुजुर्ग मेरे को मिले, उन्हें को मेरे को यही बताया कि भाई जब मुगलों का राज था तो उस टाइम यहाँ पर बरानी
पड़ी थी जमीन, जंगल थे और डंगर जब यहाँ पर चर के आते थे इकट्ठे हो जाते थे, एक कपला गऊ आके यहाँ इस जगह पे अपने आप चारों थनों में धार निकलने शुरू हो जाते थे। तो एक दिन उस पाली ने देख लिया जिसकी वो गाय थी, उसने उस गाय को वहाँ से भगाया और इसके सिर में बोलते हैं भी उस जो उसके पास में कोई हथियार था कुल्हाड़ी वगैरह उसके दो जख्म भी हैं इसके सिर में और गाय को भगा दिया वहाँ से। वहाँ उस जब उसने टाक भी मारे जख्म के उसमें से खून निकलना शुरू हो गया। मारा उसने? हाँ जी, शिवलिंग में से। और उसने उखाड़ने की कोशिश भी की, वो उखड़े नहीं उसको, और उसमें से आवाज़ आई कि भाई तू तो किसको छेड़ रहा है, मैं कोई ऐसे वैसे बात नहीं, मैं तो पतालपति शिव जी हूँ। और वो इतनी बात करके सुनने में आया वो जो इंसान था आँखों से अंधा हो गया जी। और माँ से आवाज़ आई तो मैं पतालपति शिव जी हूँ, यहाँ पर मंदिर बनवाऊँगा। तो यहाँ पर उसी ने कहा मंदिर बनवाऊँगा? हाँ जी, यहीं इसी जगह पर मंदिर बनवाऊँगा। और फिर यहाँ पर सुनते हैं भाई जो लक्खी बंजारा कोई हुआ किसी टाइम में, लक्खी बंजारा वहाँ पर आया, उसने ये शिव जी का मंदिर और एक जो बौड़ी है लगी हुई कुआ वो ये गांव से शिव जी के मंदिर से छिपती तरफ में है, 500 मीटर पे होगा लगभग। बहुत अच्छी तरह से वो वहाँ पर नहाने का स्नान करने का जो उसने बनवाया बौड़ी उसको बोलते हैं कुआ, और उसमें चार चपेरे